कांग्रेस सरकारी योजनाओं और संगठन के कार्यक्रमों को लेकर रेस हो गई है। आज कांग्रेस में बैठकों का दौर चलेगा। इस बैठक में जनजागरण अभियान के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें सभी सदस्यों और प्रभारी भाग लेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योजनाओं और संगठन के कार्यक्रमों पर रेस। शुक्रवार को कांग्रेस भवन में चलेगा बैठकों का दौर। जन जागरण अभियान के साथ होगी कई मुद्दों पर चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाई सदस्यों और प्रभारियों की बैठक। पर्व त्योहारों के समाप्त होते ही कांग्रेस अब अपने कार्यक्रमों को लेकर रेस है। कांग्रेस के 14 नवंबर से शुरू हो रहे जन जागरण अभियान की तैयारी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कंट्रोल रूम के सदस्यों, जिलों के प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस भवन में ये बैठक 11 बजे से होगी, जिसमें विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के साथ चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। कल की बैठक का मुख्य उद्देश्य है ये जो आसमान छूती महंगाई है और रोजमर्रे की सामानों में जो बेहताशा कीमत में वृद्धि है उसके खिलाफ, और पेट्रोल डीजल हर चीज में जो वृद्धि हो रही है और ये सरकार महंगाई रोकने में पूर्ण तो विफल है, उसके लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी AICC के निर्देशानुसार जन जागरण अभियान चलाएगी। इस बैठक के बाद दोपहर 3 बजे से कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास में होगी, जिसमें कांग्रेस कोटे के मंत्री, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सरकार के नए कार्यक्रम, आपकी सरकार आपके द्वार के साथ नई योजनाओं के अलावा पार्टी के अन्य कार्यक्रम पर मंथन होगा। देखिए, माननीय विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब ने जो बैठक बुलाई है उसके मुख्य 2-3 एजेंडे होंगे। पहला एजेंडा तो होगा जो पार्टी संगठन की ओर से जो जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है उसमें माननीय विधायक जो हमारे पार्टी के हैं उनकी क्या भूमिका होगी। दूसरा होगा कि राज्य जो स्थापना दिवस मना रहा है उस स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर के भी बैठक होगी। शुक्रवार को कांग्रेस के लिए काफी अहम दिन है। बैठकों के दौर के बीच कांग्रेस सरकार और संगठन को लेकर मंथन करेगी, जिसके जरिए संगठन के कार्यक्रम और सरकार की योजनाओं पर पार्टी फोकस करेगी। इसलिए 12 नवंबर की बैठकों को लेकर कांग्रेस में तैयारी पूरी हो चुकी है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।